नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र इलाहाबाद के दौरे के पहले दिन करीब 2 दर्जन गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं जानी और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान किया। इस दौरान गांव जमाल में प्रेस से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से लोकसभा के लिए प्रत्याशी तय है और चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तब भी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर प्रदेश में आज चुनाव होते हैं तो हरियाणा प्रदेश में भाजपा का जाना तय है। उन्होंने प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में सिरसा जिला, विशेषकर उनके विधान क्षेत्र इलाहाबाद की अनदेखी का सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसी भी तरह के विकास कार्य नहीं करवाए गए। और इसी के साथ देखें पल पल की यह खास रिपोर्ट। मुझे जब भी फुर्सत मिलती है, जब भी समय मिलता है, मैं 100% अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में जाकर के गांव के लोगों से और इलाहाबाद शहर के लोगों से मिलकर के आता हूँ। अब भी मेरे पास 2 दिन का समय था, 10 के बाद के तो मेरे कार्यक्रम बने हुए थे, लेकिन 8 और 9 2 दिन मेरे पास खाली थे, इसलिए मैंने 2 दिन के 50 गांव के कार्यक्रम बनाए। ये कार्यक्रम मैं इसलिए बनाता हूँ कि लोगों की जो दिक्कत कठिनाई है, चाहे वो जिला के स्तर की है और चाहे वो प्रदेश के स्तर का मामला है, मैं एक एक आदमी से पूछ करके जाता हूँ कि आप अपनी दिक्कत कठिनाई मुझे बताओ, ताकि एक MLA के नाते जो मेरी जिम्मेवारी है मैं उसको निभा सकूँ। हल्के के लोगों से एक आह्वान करने भी आया हूँ कि लोकसभा का चुनाव आ गया और लोकसभा के चुनाव में मुझे तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जाना होगा, जहाँ मैं प्रदेश में जाकर के पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति वो जीते उसके लिए प्रचार करूँ, वहीं हल्के के लोगों के जिम्मेवारी लगा रहा हूँ कि वो मेरी गैर मौजूदगी में पार्टी की तरफ से जो भी प्रत्याशी आए उसको भारी बहुमत से जिता करके भेजे, ताकि आने वाले समय में विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तारीख तय हो जाए कि किस डेट को चुनाव होना है, हमने अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कार्यकर्ता किसके साथ अपनी तरफ से नाम प्रपोज करके उसकी मदद में ज़्यादा मजबूती से खड़ा हो सके। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है, जिन पे प्रत्याशियों की कमी है वो तो मान के चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। यहाँ तो बड़ी पुरानी पूरे प्रदेश में देश में चर्चा है कि चौधरी देवीलाल तो MP और MLA बनाने वाली मशीन रखते हैं, टिकट देते हैं MLA बना देते हैं, टिकट देते हैं राज्यसभा भेज देते हैं, टिकट देते हैं MP बना करके लोकसभा भेज देते हैं। हमारी पार्टी में नेताओं की बजाय कार्यकर्ताओं की एक बड़ी अहमियत है और कार्यकर्ता 100% पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होकर के प्रत्याशियों की मदद करके विधानसभा और लोकसभा में भेजता है। सरकार ने तो सारे जिले की अनदेखी करी है, सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया जिससे सिरसा जिला के लोगों को कोई लाभ हुआ। यहाँ तो कोई प्रोजेक्ट लगे हैं, यहाँ कोई विकास के काम हुए हैं, या तो चौधरी देवीलाल जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब हुए, और या फिर चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने तब हुए, कि हमारी जो टीम है, हमारी जो फौज है वो बैरक में नहीं जाती, मैदान में रहती है। आज भी ज्यों की त्यों मैदान में डटे हुए हैं। आप चुनाव दोनों इकट्ठे कराओ ताकि लोगों को भी जल्दी से राहत मिले। लोग भी चाहते हैं कथा चुनाव हो जाए तो फिर देश से प्रदेश से दोनों से भाजपा का छुटकारा हो जाए
और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में आ जाए और देश में भी भागीदारी में रहे। चुनावों को लेकर गठबंधन कुछ अच्छा है किसी पार्टी के साथ? लोगों से गठबंधन है हमारा।